फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी काव्या में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं जो है फाइनली एक बहुत ही अच्छी जगह में आया हूँ जो हैदराबाद के खैरताबाद नामक एक प्लेस है। और यहाँ की जो है खास विशेषता वो ये है कि यहाँ पर जो गणपति बनाए जाते हैं पूरे हैदराबाद में, क्या मेरे नज़र में जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में, या तो मुंबई में बनाए जाते हैं या फिर हैदराबाद में बनाए जाते हैं। और मुंबई और हैदराबाद को मैं एक माया नगरी के रूप में देखता हूँ। यहाँ पर काफ़ी रिचेस्ट लोग जो है पाए जाते हैं और उनका अच्छा खासा योगदान जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में रहता है। और फाइनली आप लोग मेरे पीछे जहाँ तक देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं तैयारियों को दिखा रहा हूँ। यहाँ के जो चेयरमैन हैं मैंने उनसे भी बात करी तो उनने मुझे बताया कि यहाँ का जो टारगेट था वो हर ईयर जो है प्रत्येक साल जो है गणपति को जो है एक फिट तक बड़ा करने का टारगेट था, लेकिन आफ्टर जो कोरोना के बाद से जो है मूर्ति को काफ़ी छोटा कर दिया। अभी इनका जो लक्ष्य है वो 50 फिट का जो है मूर्ति बना रहे हैं ये, और 50 फिट का जो मूर्ति है वो काफ़ी देखने लायक है। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक ये जानकारी पहुँच सके और टाइमली आप लोग जो है इस प्रतिमा के जो है फाइनली जो है दर्शन कर पाएँ। अभी तो यहाँ पर जो है केवल और केवल तैयारियाँ चल रही हैं। तो फ्रेंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हैदराबाद के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है, बढ़ चढ़ कर इस जो है गणपति उत्सव में यहाँ पर सब एक जो है कंधे से कंधा मिलाकर सब जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है अगर हिंदुत्व की एकजुटता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैदराबाद जैसी जगह में बहुत ही अच्छा एक समाज के बीच में उपदेश जाता है यहाँ पर देखने के लिए। और भैया लोग मेरे साथ में, क्या नाम है सर आपका? नरेश। तो नरेश नाम है, यहीं के हैं आप? अच्छा लोकल वारंगल। अच्छा अच्छा, अभी तो वारंगल शायद आंध्रा में है ना, तेलंगाना में। अच्छा, तो आप लोग फाइनली ये शायद मुझे लगता है स्टैचू देखने के लिए आए होंगे कि जो गणपति का स्टैचू बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं। अभी जो है गणपति जो है भैया लोग बता रहे हैं कि 50 फिट के जो है गणपति बना रहे हैं, और जो पिछली बार शायद 60 फिट तक जो है टारगेट जो है गणपति का पहुंचाया था, और हर साल ये बढ़ा रहे थे। और फाइनली जो है गवर्नमेंट ने जो है और बड़े गणपति बनाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब गणपति को विसर्जन करने के लिए जाते हैं। रास्ते की जो है खंभे हैं बड़े बड़े, लाइट्स के वायर हैं, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं दी। बोला कम हाँ बोल रहे हैं कि कम जो है 50 फिट तक जो है परमिशन मिली है इस बार गणपति को बनाने के लिए। आप सबका हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है इस मूर्ति को जो बना रहे हैं मैं उन मिस्त्री जी कारीगर हैं उनसे मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ आपको। और वो फाइनली अभी भी देखो रात हो रही है लेकिन अभी भी वो काम पे लगे हुए हैं। कितना दिन से चल रहा है ये काम? एक महीने से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको बनाने में कितने कितने बंदे काम कर रहे हैं अभी? कितने लोग काम कर रहे हैं? 40 बंदे काम कर रहे हैं। 40 बंदों ने मिल के अच्छा काम किया है। तो लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका बात करने के लिए। फ्रेंड्स आप लोग फाइनली खैरताबाद गणपति का जो है डोनेशन काउंटर देख रहे हैं। यहाँ पर एक ये यहाँ पर एक हुंडी लगाई हुई है, फोन पे की भी व्यवस्था है, और यहाँ पर ये मैम लोग बैठे हैं। और ये जहाँ तक मैं ये देख लूँ यहाँ पर अगर कोई अपना डोनेशन वगैरह देना चाहता है तो अपना गणपति को बनाने में यहाँ पर जो है अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ये यहाँ पर डोनेशन काउंटर बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ है। और यहाँ पर जहाँ तक मैं यहाँ पर खैरताबाद में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये डोनेशन काउंटर जो है बनाया हुआ है, और यहाँ की जनता जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्या गरीब क्या अमीर, क्या छोटा क्या बड़ा, जो है हर वर्ग के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर बड़े से बड़े मात्रा में जिनसे जितना
डोनेशन देते हुए बनता है, जितनी जिनकी श्रद्धा है और जो जितना दे सकता है वो यहाँ पर डोनेशन जो है अपना डोनेशन काउंटर में अपना डोनेशन करवा रहे हैं। और ये जो गणपति की 50 फीट की ऊंची जो विशाल का मूर्ति बना रहे हैं यहाँ पर, उस मूर्ति को बनाने में अपना अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। सर कितना टाइम लग जाएगा इसको फाइनली बनाने में कंप्लीट बिल्कुल? अच्छा यस सर, अभी और 5 दिन होना है। अच्छा अच्छा सर, 25 तारीख तक पूरा सारे खत्म हो। अच्छा फाइनल किस दिन है रखने का जो है पूजा, जिस दिन स्टार्ट? तारीख से अपना पूजा शुरू होता है चौथी। अच्छा अच्छा फिर 9 तारीख तक रहेगा। अच्छा अच्छा 21 से 9 तारीख तक, मतलब कितना दिन रहेगा? 21 से 9 18 दिन करीब, 9-10 दिन। तो देख सकते हैं फ्रेंड, काव्या भी यहाँ पर आज आई हुई है गणपति देखने के लिए कि अगर गणपति जी की जो है तैयारियाँ हैं वो कैसी चल रही हैं। हाँ काव्या, देखा भैया ने क्या? हाँ देखा था क्या? चलो ठीक है, बाय करो, सारे फ्रेंड्स को बाय बोलो। यस तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैम अभी जो है बताएंगी यहाँ के कुछ चंद एक बातें गणपति से जुड़ी हुई, मैम यहाँ पर काउंटर में बैठी हुई हैं और जो है डोनेशन काउंटर है ये, तो मैम बताइए कुछ यहाँ गणपति के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स जहाँ तक आप लोग सुन पा रहे होंगे मेरी बात कि गिनीज बुक में जो है इस गणपति का इनका नाम जो है दर्ज है यहाँ पर, क्योंकि फाइनली यहाँ पे 60 फीट तक जो है गणपति बनाए गए फाइनली गवर्नमेंट ने। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया और बड़े बनाने का, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे, लाइट का वायरिंग वगैरह है, गणपति को निकालने में ये सबसे ज़्यादा जो है मेन इशू रहा है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए फाइनली जो है डिसीजन लिया गया 2022 में। इस बार क्ले के बनाए हुए, मिट्टी से बनाए हुए। अच्छा अच्छा मिट्टी से, और पहले कैसे बनाते थे? पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से थे। ओके ओके ओके, अच्छा तो इस बार जो है सारी जो कलाकारी जो आप लोग देख पा रहे हैं वो पूरा मिट्टी से बनाया हुआ है। कारीगरों की कलाकारी जो है वो दिल को जीतने वाली है, और वास्तविकता में इसमें 40 मजदूरों ने जिनने काम किया है, जो लेबर्स ने काम किया है, जो कारीगरों ने काम किया है, उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि जो इतनी प्यारी मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं। और फाइनली इसमें अभी कंप्लीट होने में थोड़ा दिन का और वक्त लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जहाँ तक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी मूर्तियों में जो है वाइट कलर जो है इसमें पेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे अभी मूर्ति में और भी आगे निखार आता जाएगा जैसे जैसे ये समय निकलता जाएगा। और बहुत ज़्यादा मशक्कत की है इस मूर्ति को बनाने में, क्योंकि इतना हाइट तक वर्क को कर पाना इतना आसान नहीं है, आप सब जानते हैं, इतनी ऊँचाई पर कलाकारी जो है दिखा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी मूर्तियों में जो है व्हाइट वॉश का काम चल रहा है अभी, और इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार ये जो है गणपति मिट्टी से बनाए हुए हैं, और इसमें वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, देख पा रहे होंगे आप लोग बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पर। Yeah.
चित्रकला।